दोस्तों, एक समय था जब औरत मां नहीं बन पाती थी तो उसे कई तरह की तोहमतों का सामना करना पड़ता था। लेकिन आज विज्ञान ने इतनी ज्यादा तरक्की कर ली है कि वो औरत उन तोहमतों के जंजाल से बाहर आ चुकी है। ये जंजाल क्या है और वो किस तरह इन तोहमतों के जंजाल से बाहर आई, वो क्या चमत्कार है, इसके बारे में मैं नहीं बता सकती। इसके बारे में आपको बताएंगे डॉक्टर सुमिता सोफत, जो कि बांझपन के विशेषज्ञ हैं और इस समय हमारे रूबरू हमारे स्टूडियो में बैठे हैं। डॉक्टर सोफत, बहुत बहुत स्वागत हमारे प्रोग्राम में आपका। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि अक्सर हम सुनते हैं कि बांझपन बांझपन, ये एक नाम है जो अक्सर हमें सुनने में आता है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये है क्या, बांझपन है क्या? देखा गया है, जब एक विवाहित जोड़े को 1 साल से ज्यादा हो जाए आपसी संभोग करते हुए और उसको संतान सुख की प्राप्ति ना हो तो उसको बांझपन की समस्या कहते हैं और उसे डॉक्टरी सलाह और मशवरा जरूर ले लेना चाहिए। पर देखा गया है कि कई कपल्स जिनकी मैरिज लेट होती है, जिनकी एज ज्यादा हो जाती है, या लेडीज को पहले से ही कोई महावारी की समस्या है तो उसे पहले ही डॉक्टरी सलाह जरूर ले लेनी चाहिए। डॉक्टर सोफत, जब हम बांझपन के बारे में बात करते हैं तो अक्सर ये देखा गया है कि बांझपन का जिम्मेदार अक्सर औरत को ही माना जाता है। क्या इसके लिए औरत ही जिम्मेवार है या मर्द को भी दोषित माना जा सकता है इसके लिए? बांझपन की समस्या के लिए दोनों औरत और आदमी जिम्मेवार है। लगभग 40% बांझपन के कारण औरतों में है, 40% आदमियों में पाए जाते हैं और 20% दोनों में ही नुक्स हो सकता है। लगभग 10% जोड़े ऐसे भी हैं जिनमें कोई नुक्स नहीं है पर उनको भी बांझपन की समस्या है। डॉक्टर सुमिता, मैं ये जानना चाहती हूँ कि बांझपन के लक्षण जो औरत और मर्द में हमें नजर आते हैं, जैसे आपने बताया 40% हैं दोनों में, उसके क्या कारण हैं, इसके बारे में बताइए। आदमियों में बांझपन की समस्या का प्रमुख कारण है शुक्राणुओं की कमी होना, जिसको हम ओलिगोस्पर्मिया कहते हैं, या शुक्राणु बिल्कुल ही ना होना, जिसको हम एजोस्पर्मिया कहते हैं, या शुक्राणुओं की मात्रा भी कम होती है और शुक्राणु डेड हो जाते हैं, जिसको हम ओलिगोएस्थिनोस्पर्मिया कहते हैं। औरतों में बांझपन की समस्या का जो प्रमुख कारण है वो है ट्यूबों का बंद होना। जब ट्यूबें बंद हो जाती हैं तो एग और स्पर्म का मिलन नहीं हो सकता और प्रेगनेंसी नहीं हो सकती। दूसरा प्रमुख कारण है अंडे की समस्या, या तो लेडी के एग्स जो हैं वो बनते नहीं, या अंडेदानियां फेल हो जाती हैं जिसको हम प्रीमेच्योर फेलियर कहते हैं, या फिर अंडेदानियों में रसौलियां बन जाती हैं जो कि खून की भी हो सकती हैं और पानी की भी हो सकती हैं और अंडा नहीं बनने देती। तीसरा प्रमुख कारण है बच्चेदानी की समस्या, जिसमें बच्चेदानी का साइज छोटा हो सकता है, बच्चेदानी की जो तय है वह कमजोर हो सकती है, या फिर बच्चेदानी में रसौलियां आ जाती हैं जिसको हम फाइब्रॉइड्स कहते हैं। डॉक्टर सुमिता, मर्दों में जो शुक्राणु की कमी पाई जाती है उसके क्या क्या टेस्ट हैं और उसके क्या क्या ट्रीटमेंट है, इसके बारे में बताइए। आदमियों में जब शुक्राणु की समस्या आती है, जैसे शुक्राणु नहीं होते या कम मात्रा में होते हैं, तो सबसे पहले हम आदमी का एक डिटेल्ड सीमन एनालिसिस करते हैं। इसमें सीमन का स्पर्म काउंट देखा जाता है, मॉर्फोलॉजी देखी जाती है, कीटाणुओं के बारे में देखा जाता है कि वो कितनी देर लाइव रह सकते हैं। उसके बाद अगर सीमन में प्रॉब्लम आए, इन्फेक्शन आए, तो हम स्पर्म फंक्शन टेस्ट भी कर सकते हैं। फिर देखा जाता है कि अगर ये आदमी में कीटाणु कम है या नहीं बन रहे तो क्यों नहीं बन रहे। उसके लिए देखा जाता है कि बिल्कुल ही अंदर से नहीं बन रहे, कि ब्लॉक है गोलियों में जिसके कारण कीटाणु अंदर तो बन रहे हैं पर बाहर नहीं आ रहे। इसमें हम एक आदमी के डिटेल्ड हार्मोन टेस्ट करते हैं, टेस्टिकुलर स्कैन होता है, यानी कि गोलियों की स्कैनिंग की जाती है, ब्लड फ्लो देखा जाता है, टेस्टिस का साइज देखा जाता है और देखा जाता है कि कोई वेरिकोसील तो नहीं। उसके बाद गोलियों के अंदर से पानी लेके देखा जाता है कि कोई ब्लॉक तो नहीं, कि अंदर स्पर्म्स बन रहे हैं और ब्लॉकेट के कारण बाहर नहीं आ रहे, और अगर ये ब्लॉक है तो कहाँ पे है ये ब्लॉकेट। जिन आदमियों में शुक्राणु अंदर तो बन रहे हैं पर बाहर नहीं आ रहे, यानी कि उनके सीमन में एजोस्पर्मिया है, वो भी अपने ही सीमन से संतान सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। इसके लिए एक स्पेशल विधि आती है जिसको हम इक्सी विधि कहते हैं। ये उन पेशेंट्स के लिए यूज की जाती है जिसमें हमने इक्सी करनी है, जिनमें स्पर्म्स नहीं है। इसमें एक एग और एक स्पर्म का मिलन माइक्रोस्कोप के अंडर किया जाता है और 48 से 72 घंटे बाद जो भ्रूण बन जाता है वो फिर लेडी के अंदर रखा जाता है।
और डॉक्टर सुफत, दूसरी तरफ अगर हम औरतों में जो ट्यूब्स उनकी बंद होती हैं उसके लिए क्या क्या टेस्ट होते हैं, उसका क्या ट्रीटमेंट है, इसके बारे में जानना चाहेंगे। औरतों में जब एक लेडी की ट्यूब्स बंद होती हैं तो ये जो ट्यूब्स बंद हो सकती है इनका प्रमुख कारण है नलोकी ट्यूबरक्लोसिस, जिसको हम पेल्विक ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं, या फिर लेडी को क्रॉनिक इन्फेक्शन रहती है जिसको हम पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज कहते हैं, उनके कारण भी ट्यूबें बंद हो सकती हैं। और जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज हैं जैसे कि इन्फेक्शंस जो होती हैं उनके कारण भी ट्यूबें बंद हो सकती हैं। और इसकी जांच करने के लिए हमें कैसे पता लगेगा कि एक लेडी की ट्यूब्स बंद है कि खुली हैं, उसके लिए तीन तरह के टेस्ट हो सकते हैं। जो पहला टेस्ट है जिसको हम HSG कहते हैं, हिस्टेरोसाल्पिंगोग्राफी, जो कि एक्सरे के जरिए हम देखते हैं कि ट्यूबें खुली हैं, बंद है, कि ट्यूबों में पानी तो नहीं पड़ा हुआ या पस तो नहीं पड़ी हुई। दूसरा जो तरीका है वो हम अल्ट्रासाउंड के जरिए कर सकते हैं जिसको हम सोनोसाल्पिंगोग्राफी कहते हैं। और तीसरा जो तरीका है उसमें हम लेडी के पेट में दूरबीन डाल के देख सकते हैं कि उसकी ट्यूबें खुली हैं कि बंद है। जब हम देख लेते हैं कि एक लेडी की ट्यूब्स बंद है, हमें पता लग गया कि ट्यूब्स बंद है, तो जो प्रेगनेंसी है वो नहीं हो सकती क्योंकि एग और स्पर्म का मिलन तो ट्यूब में ही होता है। तो हमारे पास दो तरीके रह जाते हैं, या हम लेडी की ट्यूब्स खोलें या फिर हम टेस्ट ट्यूब बेबी करें। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है जी। अब टेस्ट ट्यूब बेबी में हम एक लेडी के एग्स जो हैं वो बनाते हैं, उसके लिए एक लेडी को हार्मोनल इंजेक्शंस दिए जाते हैं जो कि मेंसेस के दूसरे दिन से शुरू कर दिए जाते हैं। इसमें जब लेडीज के एग्स मैच्योर हो जाते हैं तो अल्ट्रासाउंड के जरिए, मशीन के जरिए ये एग्स जो हैं हम ट्यूब में बाहर निकाल लेते हैं। और जो एग और स्पर्म का मिलन है वो एक ट्यूब में होता है। जैसे कि एक लेडी की ट्यूब्स बंद है तो वो ट्यूब लेडी की ट्यूब के अंदर नहीं हो सकता, वो टेस्ट ट्यूब में किया जाता है जिसको हम पर्खनली शिशु कहते हैं। और 48 से 72 घंटे के बाद जो भ्रूण बन जाता है वो हम फिर लेडी के यूट्रस में रखते हैं। अगर एक लेडी की जो ट्यूब्स हैं वो कॉर्नुअल ब्लॉक है, मींस बिगनिंग में ही ब्लॉक है और उसकी ट्यूब्स में पानी नहीं भरा हुआ या हाइड्रोसाल्पिंक्स नहीं है, तो हम बिना किसी चीरफाड़ के, बिना टांके के हिस्टेरोस्कोपिक ट्यूबल कैनुलेशन द्वारा भी ट्यूबें खोल सकते हैं। डॉक्टर सुमिता, अगर एक औरत की माहवारी बंद हो गई है और वो औलाद का सुख प्राप्त करना चाहती है तो क्या ये संभव है, ऐसा हो सकता है? ऐसा बिल्कुल संभव है। जिस औरत की माहवारी बंद हो गई हो, किसी भी कारण के लिए बंद हो गई हो माहवारी, जैसे कि उसको प्री मेच्योर ओवेरियन फेलियर है, उसकी उम्र तो ठीक है पर उसको मेंसेस आने बंद हो गए, या किसी लेडी को बचपन से ही पीरियड्स नहीं आए जिसको हम प्राइमरी एमेनोरिया कहते हैं, या जिस लेडी के एज ज़्यादा हो गई है उसके पीरियड्स वैसे ही बंद हो गए हैं, वे भी संतान सुख प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए एक स्पेशल बैंक आता है जिसको हम एग बैंक या भ्रूण बैंक भी कहते हैं, जिसमें फ्रोजन एग्स एवं भ्रूण रखे जाते हैं जिसके कारण, जिसको हम यूट्रस में इम्प्लांट कर देते हैं तो प्रेगनेंसी हो सकती है। इस विधि द्वारा जो लेडी के कभी पीरियड्स नहीं आए या पीरियड्स बंद हो गए हैं, या जिनकी बच्चेदानी छोटी है, या बच्चेदानी की जो तय है कमज़ोर है, या किसी लेडी को कैंसर हो गया है और उसके रेडिएशन के कारण अंडेदानियां फेल हो गई हैं, वो भी संतान सुख की प्राप्ति कर सकती है। डॉक्टर सुमिता, दूसरी तरफ ये देखा गया कि बहुत सी औरतें ऐसी हैं जिन्हें महावारी तो आती है लेकिन उनके एग्स नहीं बनते, उसका क्या कारण है, क्या ट्रीटमेंट है उसका? देखा गया है कि कई बार जिन लेडीज की महावारी तो ठीक आ रही है पर उनको एग्स नहीं बन रहे, उनको हार्मोनल डिस्टरबेंस है, उनके डिटेल्ड हार्मोन्स किए जाते हैं और फिर लेडी को हार्मोन्स के इंजेक्शंस या दवाइयां दी जाती हैं जिनसे कि एक मैच्योर एग, अच्छा एग बनाया जाता है और फिर हस्बैंड का सीमन लेके इंजेक्ट किया जाता है। कई बार देखा गया कि कई लेडीज बहुत ओवरवेट होती हैं, ओबीज होती हैं, उनके शरीर पे बाल ज़्यादा होते हैं जिसको हम पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज कहते हैं, जिसमें लेडी की अंडेदानियों में छोटी छोटी सिस बन जाती हैं जो कि एक मेल हार्मोन प्रोड्यूस करती हैं और एग नहीं बनने देती। ऐसे केसेस में हम या तो लेडी को ओवुलेशन इंडक्शन दे सकते हैं यानी कि एग बनने के इंजेक्शंस दे सकते हैं, या फिर पेट में दूरबीन डाल के ओवेरियन ड्रिलिंग कर सकते हैं जो ये सिस्ट्स हैं इनको खत्म कर देते हैं ताकि लेडी के एग बन सके। डॉक्टर सुमिता, आजकल देखा गया है कि बहुत सी औरतों में उनके बच्चेदानी में रसौलियाँ यानी कि फाइब्रॉइड्स पाए जाते हैं, क्या ये भी एक कारण हो सकता है बांझपन का?
बिल्कुल, फाइब्रॉइड्स होना बांझपन का कारण हो सकता है। इसके कारण एक लेडी को बार बार अबॉर्शंस भी हो सकते हैं। तो ऐसे केसेस में हम एक लेडी का डिटेल स्कैन करते हैं, रंगीन स्कैन भी होता है, देखा जाता है ये रसौलियों की क्या पोजीशन है, बच्चेदानी की तह से जहाँ बच्चा ग्रो करता है क्या पोजीशन है उसे, और कितनी बड़ी रसौलियाँ हैं, और फिर इन रसौलियों को निकाला जाता है। इसमें एक लेडी की बच्चेदानी के निकालने की ज़रूरत नहीं होती, जो रसौलियाँ हैं वो दूरबीन द्वारा निकाली जा सकती है। इसमें सिर्फ एक टांका लगता है और जो लेडी का हॉस्पिटल स्टे है वो भी काफ़ी कम हो जाता है, और जब बच्चेदानी से रसौलियाँ निकाल दी जाती हैं तो लेडी प्रेग्नेंट हो सकती है। डॉक्टर सुमिता, मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये सीपम बैंक ये क्या है, इसके बारे में बताइए। जिन आदमियों में स्पर्म्स ही नहीं बन रहे, मतलब कि जो गोलियां हैं उनके अंदर भी स्पर्म्स नहीं बन रहे, बिल्कुल ही एजोस्पर्मिया है, कोई ब्लॉक नहीं है, उनमें हम या तो पेशेंट को हार्मोन थेरेपी देते हैं, पर अगर वो नहीं रिस्पॉन्ड कर सकते, उनके स्पर्म्स ही नहीं अंदर से बन सकते, तो ऐसे केसेस में हम सीमन बैंक से हेल्प लेके प्रेगनेंसी कर सकते हैं। इसमें जो है फ्रोजन स्पर्म्स होते हैं जो कि सारी बीमारियों के लिए टेस्टेड होते हैं, और पेशेंट का हेयर कलर, स्किन कलर, ब्लड ग्रुप, हाइट मैच की जाती है, और सीमन लेके फिर यूट्रस में इंजेक्ट किया जाता है और एग के पास इंजेक्ट किया जाता है ताकि एग और स्पर्म का मिलन हो जाए और प्रेगनेंसी हो जाए। डॉक्टर सुमिता, बहुत बार ये भी देखा गया है कि औरत प्रेग्नेंट तो हो जाती है लेकिन उसका बार बार गर्भपात यानी कि अबॉर्शन होता रहता है, इसका कारण क्या है? कई बार कई लेडीज जो हैं कंसीव तो कर जाती हैं पर उनके अबॉर्शन हो जाते हैं। इसमें देखना पड़ता है कि अबॉर्शन किस टाइम पे हो रहा है, यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर अबॉर्शन है, सेकेंड ट्राइमेस्टर अबॉर्शन है, कितने वीक्स पे हो रहा है, और फिर एक लेडी की डिटेल जांच की जाती है। इसमें उसके सारे ब्लड टेस्ट किए जाते हैं और इवन जो अबॉर्शन का मटेरियल है उसको भी टेस्टिंग के लिए भेजा जाता है, देखा जाता है कि हस्बैंड वाइफ दोनों जेनेटिकली नॉर्मल है कि नहीं है। कई बार देखा जाता है कि जो बच्चेदानी का मुंह है वो ही इतना बड़ा है कि लेडी का बच्चा जो है पूरा थैली समेत बाहर आ जाता है, जिसके लिए हमें फिर नीचे सर्वाइकल स्टिच भी लगाना पड़ सकता है। अगर ये सारी चीजों का हल हो जाता है तो लेडी की जो प्रेगनेंसी है वो फुल टर्म पूरे 9 मंथ्स तक जाती है और हेल्दी बेबी भी डिलीवर हो सकता है। पर डॉक्टर, कई बार ऐसा भी होता है कि एक औरत माँ तो बन जाती है लेकिन माँ बनने के बाद उसे बहुत ज्यादा महावारी होती है, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है, इसका क्या कारण है? जब एक लेडी की फैमिली कंप्लीट हो जाती है।